हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो लास्ट ईयर नवंबर में जब जंगकुक ने अपना सोलो एल्बम गोल्डन रिलीज किया था, तब इस एल्बम के रिलीज हो जाने के बाद जंगकुक ने एक प्राइवेट गोल्डन डिसलिंग पार्टी रखी थी साउथ कोरिया के एक रेस्टोरेंट में। एंड जंगकुक की इस पार्टी से उस टाइम सिर्फ ये एक फोटो खुद BTS के मेंबर ने पोस्ट करी थी। और क्योंकि जंगकुक की ये पार्टी प्राइवेट थी एंड इसमें कोई भी मीडिया वगैरह नहीं आई थी एंड ना ही इस पार्टी को रिकॉर्ड करा गया था, तो इसीलिए हमें आज से पहले कभी भी जंगकुक के लिसनिंग पार्टी की कोई और फोटो या वीडियोस देखने को नहीं मिली है। एंड हमें ये भी नहीं पता है कि माकने लाइन और RM के अलावा क्या सुगा, जिन और जियोप, इन तीनों ने भी जंगकुक की गोल्डन पार्टी अटेंड करी थी या नहीं। पर दोस्तों, रिसेंटली सोशल मीडिया पर किसी ने जंगकुक की गोल्डन लिसनिंग पार्टी की ये वीडियो अपलोड की है। एंड दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि सबसे पहले वेन्यू पर जंगकुक आते हैं, फिर RM आते हैं एंड इसके बाद जिमिन और सुगा को आप इसमें एक साथ देख सकते हो। तो दोस्तों, जिसने भी ये वीडियो अपलोड किया है, फाइनली उसकी वजह से हम फैंस को ये तो पता चल गया कि मिलिट्री में होने के बावजूद भी सुगा ने जंगकुक की लिसनिंग पार्टी अटेंड करी थी। एंड आर्मी इस टाइम बहुत खुश है ये जानकर कि सुगा जंगकुक की पार्टी को अटेंड करने गए थे। पर दोस्तों, इस वीडियो में इन दो गर्ल्स को देखकर इस टाइम बहुत से फैंस ये स्टोरी बना रहे हैं कि जंगकुक की लिसनिंग पार्टी को जेनी और जीसो इन दोनों ने भी अटेंड किया है। तो दोस्तों, आज प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये बात सच है या झूठ। तो दोस्तों, दरअसल जैसे साउथ कोरिया का हर एक लड़का BTS नहीं है, सेम उसी तरह साउथ कोरिया की हर एक लड़की ब्लैक पिंक की मेंबर नहीं है। इसी के साथ इन दोनों गर्ल्स के फेस इस वीडियो में इतने ज्यादा ब्लर है कि ये कंफर्म करना कि ये जेनी और जीसो है, ये इम्पॉसिबल है। इसी के साथ जंगकुक की लिसनिंग पार्टी का ये वीडियो जो कि हेयरन नाम के अकाउंट पर रिलीज करा गया है एंड जंगकुक की ये पार्टी जिस WHW के कोरियन रेस्टोरेंट में हुई थी, तो उन्होंने इस वीडियो को रिलीज तक भी नहीं किया है। तो दोस्तों, दरअसल आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट के ओनर ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि जेनी और जीसो जंगकुक की पार्टी में आई थी। तो दोस्तों, अगर आपने ऐसा सुना है तो ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि ये बात इस WHW के LA ब्रांच के ओनर ने कही नहीं है, बल्कि इन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है जिसमें ब्लैक पिंक मेंशन है और इन्होंने इस बात को अपने साइट से कंफर्म नहीं किया है। इसी के साथ वैसे भी जंगकुक की ये पार्टी WHW के कोरियन ब्रांच में हुई थी और क्योंकि WHW के LA ब्रांच ने इस वीडियो को रीपोस्ट किया था जहाँ ब्लैक पिंक और BTS ये दोनों मेंशन है, तो इसलिए बहुत सारी आर्मी और ब्लिंक इनसे पूछने लगी ये सच है या झूठ। तो दोस्तों, WHW रेस्टोरेंट के कोरिया और LA दोनों ब्रांच के ओनर ने अपनी अपॉलॉजी इस सिचुएशन पर दी है जिसे आप देख रहे हो। तो इन दोनों का कहना है कि इन्हें नहीं पता है कि जंगकुक की पार्टी को किस किसने अटेंड किया है एंड जंगकुक की पार्टी रिकॉर्ड नहीं हुई थी एंड ना ही उन्होंने जंगकुक की पार्टी से कोई भी वीडियो लीक किया है। इसी के साथ LA ब्रांच ने तो सॉरी भी बोला है क्योंकि उनके इस वीडियो को रिपोस्ट करने की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, क्योंकि अब इस रेस्टोरेंट के ओनर ने खुद इस रूमर को डिनाई कर दिया है, तो इसीलिए हमें भी अब इस रूमर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हायरन, जिस अकाउंट पर जंगकुक का ये वीडियो अपलोड हुआ है, उसने भी ये वीडियो पोस्ट करने के बाद अपना ये अकाउंट कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया था और इसीलिए बहुत सारी आर्मी का ये कहना है कि जंगकुक का ये वीडियो इसी टाइम इसलिए अपलोड हुआ ताकि आर्मी का माइंड डाइवर्ट हो जाए और वो वी के न्यू सॉन्ग फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम ना करें। तो दोस्तों, जेनी और जीसो अगर जंगकुक के पार्टी को अटेंड करेंगी तो ये बात अच्छी है, पर क्योंकि अभी तक इसका कोई भी रियल प्रूफ नहीं मिला है, तो इसीलिए इन सब रूमर्स पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये दो गर्ल्स जेनी और जीसो है? अपनी राय मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।